अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूँ। आदित्य कुमार से संबंधित जो मामला है वो आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। इसमें बाकी सभी अभियुक्त जो उसमें आए थे जांच में, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकती नजर आ रही है। हालांकि वो अभी इस मामले में फरार चल रहे हैं। वही अगर बात करें तो एक विशेष टीम गठित कर इस मामले की पूरी तहकीकात और फरार आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। अच्छा ठीक, मैं आपको बता दूँ। आदित्य कुमार से संबंधित जो मामला है वो आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। इसमें बाकी सभी अभियुक्त जो उसमें आए थे जांच में, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई। जो प्राथमिकी नंबर एक हैं अभियुक्त आदित्य कुमार, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने किया हुआ, और वो विशेष टीम सभी तरीकों से उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उसके बाद ही आगे कोई डेवलपमेंट होगा, मैं आपको बताऊँगा। कोई आपको मैं बता दिया, कोई भी आदमी न्यायालय के या कानून से परे नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ। और हम लोगों की कार्रवाई से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप समझ रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बना दी है, और ये टीम केवल बिहार राज्य ही नहीं, बिहार राज्य के बाहर भी जाएगी। अंतर्राज्यीय ये टीम बनी है, और वो उसको सारे संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और उनको जो भी ज़रूरतें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और जल्द ही इस मामले में आगे जो डेवलपमेंट होगा वो आपको बता देंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। कल ही मैं मीडिया में कहीं देख रहा था, शायद शेखपुरा की पुलिस लाइन का सवाल था, और वो किसी वहाँ पे गोडाउन में रह रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है। कल ही रात मैंने समाचार देखने के बाद ही एसपी से बात की है। एसपी ने बताया कि इसमें ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ विलंब किया है, तो हमारे जो पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसको एसपी से कहा गया है कि आप उनसे तहकीकात करके और शीघ्र ही इसमें मेन मटेरियल और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको कहिए कि इसमें तेज़ी से पूरा करें। कुछ काम उसमें हो गया, कुछ काम बाकी है। लगातार पुलिस भवन निर्माण निगम, जो कि केवल पुलिस भवनों के लिए बना है, लगातार निर्माणाधीन पुलिस भवनों की प्रगति की समीक्षा करता है। हम लोग भी इसके रिव्यू करते हैं। अभी हाल में पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से पुलिस बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन, जो हमारी नई योजनाएं बनती हैं, उसकी समीक्षा की गई थी, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही जो लंबित बिल्डिंग है उसकी वो पूरा कर लिए जाएंगे, और धीरे धीरे सभी थाना भवन हमारे आधुनिक और अच्छे हो जाएंगे। पुलिस लाइन की भी समीक्षा हो रही है। पुलिस लाइन, थाना बिल्डिंग, ओपी की बिल्डिंग, जो भी पुलिस प्रतिष्ठान है वो सभी के लिए हम लोग चिंतित हैं और कार्रवाई हो रही है। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार आईपीएस अधिकारी फरार इस मामले में पूरे फरार चल रहे हैं, वहीं अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं एक विशेष टीम का गठन कर अब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी करती नज़र आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़।